उसी प्रकार मनुष्य का जन्म भी परोपकार के लिए होता है। अब आजकल के मनुष्य इसमें से अच्छा मानवी सानी दोनों बहन है। अच्छा तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ऊपरी क्षेत्रों में बारिश होने के कारण जो है कि नदी का पानी बहुत ही ज्यादा मटमैला आ रहा है और फिटिंग तो भाई करीब करीब सभी जानते हैं। अच्छा। जो भी आपको चाहिए होती है। अच्छा। बस एक बार बंदा बताना चाहिए वो हेयर कट। तो आज सुबह सुबह मम्मी ने नाश्ते में बना रखी है मीठी रोटी जो गेहूं के आटे से बनती है और तेल में बनती है और जो है कि शॉर्टकट नाश्ता ये पहाड़ों का होता है। ये गांव में जब भी हम लोग मेहनत करके कुछ फसल उगाते हैं जैसे कि मम्मी ने जो है कि खेतों में मसाले उगाए थे तो उसके जो है कि रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन होते हैं अपने खेतों में फसल उगाने के। तो मम्मी ने खेतों में जो है कि मसाले उगा रखे थे तो वो मैं जो है कि अभी के टाइम से बाज़ार लेके जाने वाला हूँ। तो आज मैं जा रहा हूँ पैठानी मार्केट और काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना रहा हूँ तो वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो जो है कि चाची लोगों के घर से इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत आता है। तो स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और एक और मज़ेदार पहाड़ी लाइफ स्टाइल व्लॉग में कुलदीप यू के यूट्यूब चैनल से और मेरे प्यारे गांव भूंखाल से। जो भी भाई नए व्यूअर्स जुड़े हैं पिछले व्लॉग से जो मैंने पूजा का व्लॉग बनाया था उससे काफ़ी सारे नए व्यूअर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो उनको बता दूं कि मेरा प्यारा गांव भूंखाल पौड़ी गढ़वाल के खिरसू ब्लॉग में पड़ता है। मेरे गाँव में माँ भूंखाल भगवती का एक खूबसूरत मंदिर है और खिरसू से जो है कि मेरे गाँव भूंखाल की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। तो अभी के टाइम पर मैं निकल पड़ा हूँ पैठानी मार्केट जाने के लिए गौशाला वाले रास्ते से। यहाँ से ये रास्ता नीचे सड़क में मिलता है। काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे हैं क्योंकि आजकल गांव में खेतों का काम चल रहा है साथ साथ जो है कि गांव में आजकल सरकारी काम यानी कि विधायक निधि मनरेगा के अंतर्गत सालों में कई बार जो है कि काम आते हैं जैसे कि रास्ता बनाना दीवार बनाना तो ऐसे ही कुछ काम आजकल गांव में हो रहा है जिसमें मैं बिज़ी था इसीलिए मैं उस दिन से कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो आज सोचा कि बालों को भी कटा लेते हैं और एक पैठानी मार्केट भी घूम के आते हैं। और पैठानी जो है कि हमारा लोकल मार्केट है। काफ़ी सारे गांव हमारे राठ क्षेत्र में पड़ते हैं तो उनका मेन मार्केट पैठानी होता है और दैनिक जीवन को चलाने के लिए हमें बहुत सारी नीड्स होती हैं यानी कि बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जैसे राशन पानी दाल सब्जी रोटी जो भी है। तो ऐसे ही जो है कि ज़रूरतमंद चीज़ों को लेने के लिए मैं अभी पैठानी के लिए निकल गया हूँ। साथ ही अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और देखिए सूरज देवता ठीक यहाँ पे पहुँच गए हैं। आजकल जो है कि सूरज देवता ठीक 5:30 बजे उग जाते हैं और मौसम आजकल पहाड़ों में खूबसूरत है। भले ही आपको चारों तरफ धुआं देखने को मिल रहा है लेकिन दिन के टाइम पे हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। उसके अलावा शाम सुबह मौसम बेहतरीन है और लोग जो है कि खेतों में काम करने पर लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए इस वाले खेत में झंगोरा हम लोगों ने लगा रखा है और ऐसा कुछ झाड़ हमारे गाँव में होता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। ये इसे मूँगफली का झाड़ बोलते हैं। साथ साथ जो है कि गांव में अभी भी किसी किसी झाड़ पे जो है कि हल्की हल्की हिसूल पकी हुई है। गर्मियों के टाइम पे पकने वाली हिसूल काफ़ी ही मज़ेदार होती है तो इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपने भी कभी हिसूल खाई हुई है। और आजकल जो है कि सभी लोग खेतों में निराई गुड़ाई कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए जो है कि संतोषी भी आ गई है खेतों में। हाय गाइस कैसे हो ठीक ठाक? देहरादून का मौसम कैसा है? हाँ अच्छा तो कैसे लग रहा है अपने गांव में आके शादी के बाद? अच्छा अच्छा क्योंकि पहाड़ों का मौसम बहुत खूबसूरत है। और इस वाले खेत में देखिए मेरी मम्मी भी सुबह सुबह आ गई है यहाँ पे। देखिए कौगुड़ी पैठन बेटी ओके ओके। पिछले वाले व्लॉग में एक भाई का बड़ा ही खूबसूरत कमेंट आया था। A to Z यूट्यूब चैनल उनका है। उनका कमेंट आया था कि आप जो है कि अपने आसपास के गांव में जाइए वहां पे जो है कि जो परिवार रहते हैं उनसे बातचीत कीजिए गांव के हालचाल जानिए गांव को एक्सप्लोर कीजिए इसके साथ साथ जो है कि पहाड़ में प्लान पर भी वीडियो बनाइए। तो आपने जो है कि बहुत ही खूबसूरत आइडिया दिया है। जल्द ही इस आइडिया पर वर्क किया जाएगा और एक अच्छी सी वीडियो आपको इस आइडिया पे देखने को मिलेगी। मैंने गांव भी चुन लिया है कि कौन सा गांव हमारे ही क्षेत्र में ऐसा गांव है जहां के लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक दिन हम लोग उस गांव में ज़रूर जाएंगे।
पैठानी पहुंचते ही सबसे पहले जो है कि मैंने कटिंग करवा ली है। बाल देखिए एकदम से छोटे कर लिए हैं, क्योंकि जो है ना गर्मी के टाइम पे जितने छोटे बाल लेंगे उतने ही झड़ने की दिक्कत बहुत ज़्यादा कम हो जाती। हाँ, तो मैं जब भी आता हूँ पैठानी मार्केट में सैलून पे बाल बनवाने के लिए, तो इस वाली दुकान में आता हूँ। आप राज होटल से थोड़ा सा ऊपर आ सकते हैं, यहाँ पे जो है कि इन वाले भैया की दुकान है। हेलो भैया। तो जो है कि राज क्षेत्र के जितने भी लड़के अभी देख रहे होंगे तो वो आपकी दुकान में आएंगे। थोड़ा सा अपनी दुकान को प्रमोट कीजिए आप, बताइए कौन कौन सी कटिंग आप जानते हैं, मतलब ना लड़कों को कटिंग तो भाई सब करीब करीब सभी जानते हैं। अच्छा, जो भी आपको चाहिए होती है। अच्छा, बस एक बार बंदा बताना चाहिए वही हेयर कट हो जाएगा। ठीक है, पैठानी क्षेत्र के जो भी लड़के अभी इस वाले ब्लॉग को मेरे देख रहे होंगे तो एक बार जो है कि भाई की दुकान में ज़रूर आइएगा, यहाँ पे राज होटल से थोड़े से ऊपर। तो पैठानी पहुँचते ही सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा हूँ। आप सभी को बता दूँ कि राज क्षेत्र में यहाँ पर जो है कि राहु का मंदिर है, इकलौता मंदिर पूरे भारतवर्ष में, और यहाँ पे जो है कि दो नदियों का संगम है। आज जो है कि नया नदी का पानी भी बहुत मटमैला आ रहा है, शायद ऊपरी क्षेत्रों में बारिश हो रही होगी। लास्ट बार जो है कि मम्मी के साथ ही भगवान भोलेनाथ जी के यहाँ पे दर्शन किए थे, उस दिन हमने राहु की भी पूजा की थी, तो उस दिन से आज ही मंदिर में आना हो रहा है। हाय, तुम्हारा नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। आप लोगों का नाम क्या है? इसका नाम मानवी है। इसका नाम क्या है? मानवी। इसका नाम मानवी है। ये मानवी इधर क्यों नहीं देख रही? अच्छा, मानवी सानी दोनों बहन है। और ये इसका नाम आर्यन दीदी। अच्छा, तो मेरा आर्यन। और कौन से क्लास में पढ़ते हो आप लोग? और ये दोनों? जीरो में। अच्छा ठीक। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऊपरी क्षेत्रों में बारिश होने के कारण जो है कि नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा मटमैला आ रहा है, और जब भी हम लोग मंदिर में जाते हैं तो जो है कि संगम से शिवालय में जो है कि पानी चढ़ाते हैं, और वहाँ पे देखिए बंदर इंसानों को डरा रहे हैं। क्या ज़माना आ गया है। तो जो है कि इस वाली साइड से जो नदी बह रही है उसको हम सिवली घाट बोलते हैं, और ये वाली नदी जो आ रही है ये भी दूधातोली श्रेणी से आ रही है। दोनों नदी दूधातोली श्रेणी से आ रही हैं, और ये नीचे जो है कि सतपुली में मिलती हैं, और ये वाला पत्थर जो है कि इसको हम लोग भीमशिला कहते हैं। तो अभी जो है कि मेरी मुलाकात यहाँ पे मंदिर के पुजारी जी से हुई है, तो सबसे पहले उनका शुभ नाम जानेंगे और जानेंगे कि कैसे यहाँ पे जो है कि राहु की स्थापना की गई है महादेव के मंदिर के साथ। तो आपका नाम, शुभ नाम बता लीजिए जरा। जी, मैं रामकृष्ण नौटियाल जी। तो आप जो है कि राहु के मंदिर के बारे में बताएंगे थोड़ा, मतलब? देखो, ये एकमात्र उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है राहु मंदिर, इसे राहु मंदिर के नाम से जाना जाता है। और वैसे है इंद्रेश्वर महादेव भी है, इंद्रेश भगवान इंद्र ने यहाँ पे जो है महादेव की तपस्या की थी, तत्पश्चात इसका नाम इंद्रेश्वर महादेव पड़ा। उत्तर भारत का एकमात्र राहु मंदिर है, ऐसी मान्यता है कि एक बार देवराज इंद्र पे जो है राहु की दशा लगी थी। अच्छा। और यहाँ पे देवराज इंद्र जी ने जो है राहु की दशा को मोचित करने के लिए भगवान शंकर की तपस्या की। अच्छा। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, तत्पश्चात इंद्र की राहु की दशा मोचित हुई, और भगवान देवराज इंद्र को भी राहु की दशा मोचित कराया। और साथ साथ ऐसी मान्यता है, यह भी लोग बोलते हैं कि जो यहाँ पे भगवान शंकर की पूजा करते हैं वह राहु की दशा से मोचित हो जाता है। जी, जो है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे राहु की पूजा करेंगे उनसे उनके जीवन से राहु की जो भी दोष लगे हैं उनकी छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे माई जी दीदी जी भी हैं, तो आप जो है कि कितने सालों से यहाँ पे भगवान की सेवा कर रहे हैं? तीन साल यहाँ। तो जरा मतलब एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि मतलब भगवान इंसान को यहाँ पे भेजता है तो इंसान कर्म करते हैं ना, तो मतलब अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन मेन मकसद क्या है भगवान का, मतलब इंसान को धरती पे भेजने का, मतलब यहाँ के बारे में थोड़ा बता ले। इंसान मतलब जन्म नहीं होता धरती में, तो भगवान किस मकसद से इंसान को भेजते हैं, मतलब यहाँ के बारे में बता ले थोड़ा। नहीं नहीं बता ले कुछ।
जय जय नरी मांगी वे लुए वे लुए वित भजन जय जय मैं जय वे मैं जय मुकदर में जनरी परोपकार के लिए इंसान को धरती पर भगवान भेजता है ताकि दूसरों की सेवा हो सके, परोपकार हो सके। जिस प्रकार नदियां बहती है ना, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्षों पर फल लगते हैं झुक जाते हैं, अपना अपना फल वृक्ष स्वयं में खाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य का जन्म भी परोपकार के लिए होता है। अब आजकल के मनुष्य इसमें से 90% ही होंगे जो बाकी तो परोपकारी है नहीं। वैसे मनुष्य का मेन ही परोपकार का ही है। अच्छा, मतलब भगवान के द्वारा परोपकार के लिए ही इंसान को भेजा गया। तो जरा टीका लगा जाने तो दोपहर के करीब 12 बजे अपने दोस्त के साथ जो है कि भाई अभी के टाइम पे मैं बाइक में वापस गांव में पहुंच गया हूं, और इस समय पैठाणी में इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रही है कि थोड़ा सा पैदल चलने के बाद ही पूरा शरीर मतलब तर तर पसीने से। तो जो लोग आज के टाइम में श्रीनगर और देहरादून दिल्ली में रह रहे होंगे तो उनके मतलब कितने भयंकर हाल हो रहे होंगे इस हिसाब से, जबकि पैठाणी पहाड़ी क्षेत्रों में आता है तो वहाँ पे इतनी भयंकर वाली गर्म हो रही है भाई। गांव में अभी भले ही भयंकर वाली धूप लगी है लेकिन मेरे गांव में बहुत ही अच्छी हवा चलती है जिससे उतनी ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता है। लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं मलुंड गांव में पूजा में गया था, तो मलुंड गांव में भी बहुत भयंकर वाली गर्मी होती है क्योंकि गाँव नीचे है ना, तो जो गाँव ऊपर रहते हैं वहाँ हवा अच्छी चलती है तो वहाँ हवा नहीं चलती है, लेकिन मेरा गाँव हर मौसम के लिए बेहतरीन है। तो दोस्तों घर पहुंचते ही सबसे पहले जो है कि भाई नहा लिया हूं, क्योंकि जो है कि बाल के छोटे छोटे टुकड़े शरीर में रह जाते हैं जो नहाने के बाद बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, और ऐसी गर्मी हो रही है कि भाई जितना ज़्यादा नहाओ उतना कम है। तो अभी के टाइम पे यहां पे मम्मी ने खाना बनाने के लिए रखा है जो मैं देख रहा हूं अभी यहां पे। अभी शाम के करीब 6 बज चुके हैं और मैं जो है कि अभी काफलों के लिए निकल पड़ा हूं। गांव में अभी किसी किसी पेड़ पे जो है कि काफुल पके हुए हैं। वैसे मैंने सुना है कि जंगलों में जो बड़े डांडे होते हैं, तो बड़े डांडे यानी कि बड़े जंगल, तो वहाँ जो है कि अब काफुल पक रहे हैं। तो एक दिन हम लोग प्लान करेंगे कि बड़े जंगल में जाएंगे काफुलों के लिए। अभी भी हमारे गांव में कुछ कुछ पेड़ हैं जहाँ पे काफुल पके हुए हैं। पहले पेड़ों से मैं परसों जब आया था तो इन वाले पेड़ों से काफ़ी सारे काफुल लेके गया था। उस दिन इन वाले पेड़ों पर काफ़ी सारे काफुल पके हुए थे, तो होप करूँगा कि आज भी पके हुए हों। हल्के हल्के इस पर पके हुए हैं और हल्के हल्के उस पर पके हुए हैं, तो उस वाले पर जाएंगे पहले। देखिए कांटे ही कांटे जो है कि गिरे हुए हैं, जब आग लगी होगी तो ना कांटे के पेड़ सूख गए हैं तो उनसे कांटे झड़ गए हैं। ये वाला पेड़, इस पे काफी सारे काफुल है। एकदम से काले काले काफुल इन वाले पेड़ों पे पके हुए हैं। जो काले जितने ज़्यादा मतलब काले होते हैं काफुल उतने ज़्यादा मीठे होते हैं, तो इस वाले पेड़ पे बहुत सारे काफुल पके हुए हैं।